अभी कुछ दिन पहले झारखंड के सीएम सोरेन ने कहा कि ट्राइबल्स ऑफ इंडिया आर नॉट हिंदूज, और कोर्ट में भी कहीं कुछ शायद ऐसा ही कहा गया। ये सब देख के लगता है कि इंडिया में शायद नरेटिव्स ही मैटर करते हैं, फैक्ट्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ट्राइबल्स जो थे दे हैव बीन सेफेस्ट एज हिंदूज इन इंडिया। उनकी लैंग्वेजेस, उनका वे ऑफ लाइफ, उनकी हैबिटेट हैव बीन सेफेस्ट विद हिंदू किंग्स एंड दे एज पार्ट ऑफ लार्जर हिंदू सोसाइटी। और हाँ, वी हिंदूज डू हैव कास्ट, बट दैट डजंट मीन वी एनस्लेव्ड अदर ह्यूमन बींग्स। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें, जहां जहां मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने सत्ता पाई, पावर गेन की, दे ऑब्लिगेटेड ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब कि उन्होंने ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ही मिटा दिया, एंड एनस्लेव द पुअर एंड सब्जुगेटेड, यानी कि जो पुअर थे उन्हें सब्जुगेट किया, एंड ट्रीटेड एंड ट्रेडेड देम लाइक एनिमल्स। बट फिर भी भारत में हिंदूज को ऑप्रेसर्स बोला जाता है और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को लिबरेटर्स बोला जाता है ऑफ पुअर, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइबल्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। इससे बड़ा झूठ शायद ही कभी बोला गया होगा। और जो हमारे सो कॉल्ड हिंदू लीडर्स हैं, उनको तो उल्टा लटका देना चाहिए इंडिया गेट पे, क्योंकि उनके रहते हुए भी इतना बड़ा झूठ हमें हिस्ट्री बोल के पढ़ाया गया स्कूल की किताबों में और पॉपुलर कल्चर में।